नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्वर की शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना आलमनगर के इंडियन हॉस्पिटल के पास की, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली एक होटल में घुस गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। अगली खबर बदायूं से है, जनपद बदायूं से, जहां दो युवकों को शराब और मीट की पार्टी करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें, दोनों युवक घर से कुछ दूरी पर शराब और मीट की पार्टी कर रहे थे। वहीं पार्टी करने के 15 मिनट बाद दोनों युवकों की हालत बिगड़ गई, जिसमें अस्पताल ले जाते समय एक युवक की मौत हो गई और दूसरे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। पूरा मामला हजरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दुंडी नगला का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शराब और मीट के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए और मामले की जाँच कर रही है। ना भाई, कलिया बनो रात पी थे। काय का था? मुर्गा। अच्छा, शराब कच्ची थी या पक्की? पक्की, इंग्लिश इंग्लिश की शराब थी। अच्छा, तो कहाँ बनाया था इन्होंने? धीरपा लगे। अच्छा, कहाँ? गांव के हैं धीरपा? गांव में गए। और फिर क्या हुआ इसके बाद? लेके गई बरेली। किसको? दोजन। हाँ हाँ, तो रत्न भी खत्म हुई है। कौन? मुकेश। अच्छा, और हालत किसी ख़राब है? हाँ, धीरपाल भर्ती है। कहाँ? बरेली। अच्छा, ये जो मुकेश ख़त्म हुए हैं, आपके कौन थे भाई? अच्छा, इनके बच्चे उच्चे हैं? हाँ। कई बच्चे हैं इनके? 3। बड़े हैं छोटे? छोटे हैं। छोटे। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ। पुलिस आई थी? इसमें सब मीठ बनी थी। हाँ। भूख आई थी, इंग्लिश दारू पी थी जी। हाँ। फिर का इसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई। हाँ। परिवार साथ करीब, फिर मैं अलापुर लिए, अलापुर के बाद मन मना कर दी। हाँ। बदायूँ लिए, बदायूँ मना कर दी, बरेली लिए। अच्छा, फिर रास्ता में क्यों खत्म हो गए? खबर अंबेडकर नगर से, जहां आलापुर तहसील प्रशासन ने एक फौजी के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। आपको बता दें, पीड़ित फौजी की पत्नी अधिकारियों से गुहार लगाती रही, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी और प्रशासन ने बिना नोटिस दिए मकान को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने पीड़ित को इतना समय तक नहीं दिया कि पीड़ित अपने घर का अमूल्य सामान भी निकाल पाता। वहीं मकान गिरने से पीड़ित का लाखों का रुपये का नुकसान भी हो गया है। हमार घर तोड़ देना, ना नोटिस देना, ना कुछ देना, जबरदस्तिया तोड़ देना। अच्छा, ये सड़क में जो गया था, इसी का मामला है? हाँ, सड़क में गया ला, इसी का मामला है। ना नोटिस देना, ना मौका देना, ना टाइम देना। एक दिन का मौका मांगा लगनी, मौका ना देना, जिसी भी लगाए के तोड़ देना हमार घर। हमार गेहूँ गल्ला गुजारी गहना गुड़िया सब कुछ ईडीएम तपवाए देना। आलापुर डीएम तो पवाए देना हमार गला गुजारी। एक दिन का मौका मांगा लगनी, ना देना। रोने गौनी माफी मांगनी, ना देना माफी। बस का बोलाला, मैडम हमारा हाथ पकड़ के खींच लिया, कहला कि चलो तुम खाने बंद कर दूंगी। का बोलाला, हम इतना रोने गौनी, हमें मौका टाइम नहीं, कोई सुनवाई नहीं की। कोई सुनवाई नहीं। अब मेवा लाल फौजी जम्मू डिप्टी करता पे एसडीएम की गाड़ी आई, एसडीएम और सब रोड विभाग के सर आए, सभी लोग। अच्छा। सभी लोग आए और अचानक सर घर गिराने लगे। जिस वक्त गिर रहा था मौजूद थे? जी सर, हमें पे थे मौके पे उस समय। और एसडीएम की गाड़ी आई और सर जेसीबी उसीबी के साथ मेरे रोड विभाग के सभी लोग आए सर। अचानक सभी लोग सर गिराने लगे, बोले हट जाओ नहीं तो इसी में। हम लोग इसी घर में मौके पे थे सर, इसी घर में थे, तब सभी लोग बोल रहे हैं कि हट जाओ नहीं तो यहीं पे अभी तोप देंगे सर। हम लोग सभी लोग निकल के बाहर आए और बोले कि सर हम लोगों को एक दिन का टाइम दिया जाए, हम सब सारा सामान वामान निकाल लेंगे। लेकिन सर वो लोग नहीं माने और हमारा सारा सामान इसी में तोप दिए। खबर देवरिया से है, जहां क्षत्रिय महासभा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह शामिल हुए। वहीं सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में देवरिया नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे।
देवरिया में छतरी महासभा का भव्य सम्मेलन किया जा रहा है। उस सम्मेलन में आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर हजारों की संख्या में छतरी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। और छतरी समाज की बात की जाए, ये लोग हर समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं जो बता रहे हैं, और मैं उनसे जानूंगा कि छतरी समाज को कैसे लेकर चलने हैं और अन्य प्रजाति लोग कैसे लेकर। मैं छतरी अखिल भारतीय छतरी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा परम दायित्व बनता है कि मैं गाँव के स्तर पे छतरी संगठन खड़ा करके छतरी समाज में प्राप्त व्याप्त बुराइयों को दूर करके उनको हम बच्चों को शिक्षा के दिशा में अग्रसर करके उनको हम तलवार और पुराने जमाने के छतरियों के लिए नहीं कलम लो करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, जो इस समाज में जाति को लोग एंगल दे रहा है, जातिवादी जो चल रहा है, ये कैसे खत्म होगा? हमारा समाज सर्व समाज को लेकर चलने वाला समाज है, और जब हम अपने सर्व सशक्त होकर के सर्व समाज की भलाई करेंगे अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा। आज आपके समाज में कई अन्य लोग भी आए हैं, समाज के लोग भी आए हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, हमारे समाज में अन्य लोग नहीं आए हैं, अगर आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसा कि बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि अगर जो भी समाज के लोग यहाँ आना चाहेंगे, कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे, उनका स्वागत है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं मीडिया प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, और क्षत्रिय समाज को संगठित करने और उसके मुख्य उद्देश्यों को भटकने से बचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब है, इनका प्रयास चल रहा है, हमें लगता है कि 2-6 महीने के अंदर अब इसका रिजल्ट देखने को। कैसा लगता है जब यह कार्यक्रम होता है, लोग भी आप लोग आते हैं और सम्मानित करते हैं, सम्मान मिलता है? कैसा? देखिए, सम्मान नहीं है, हम लोग के अधिकार है, कर्तव्य की लड़ाई है, और अच्छा है कि जब ये लोग जुटेंगे तो अच्छा तो लगेगा ही। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ मुख्य अतिथि हरिवंश कुंवर हरिवंश सिंह जी मौजूद है, और यहाँ छतरी समाज के कई लोग इकट्ठा है, कई लोग है करने के लिए उनसे भी जाने को। माँ मुखी जी बोल रहे हैं, और आपका बहुत बहुत आभार, आप आए और अखिल भारतीय छतरी महासभा में आपका स्वागत करते हैं। मैं प्राइम टीवी से आपसे बढ़िया। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।